हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों अभी क्या हुआ ना, मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को मैंने अभी अपडेट किया है हेजोक के अंदर, जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है। दोस्तों अपडेट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं कोई भी आइकन में वेक्टर्स में क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने नेविगेशन बार में क्रिएट कर रहा था, अभी यहाँ से मैं मेन्यू के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉएबल न्यू, उसके बाद वेक्टर्स में जाता हूँ मैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी अपडेट होने के बाद यहाँ पे मुझे लॉट ऑफ आइकन मुझे दिख ही नहीं रहे यहाँ पे के अंदर। जब से मैंने अपडेट किया एंड्रॉइड स्टूडियो हेजोक में, तो मुझे कुछ भी आइकन इसके अंदर मुझे दिख ही नहीं रहे। तो दोस्तों इसी के लिए क्या है ना, ये सिस्टम ग्लिच है अभी जो अपडेट आया है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको इसका वर्जन दिखाता हूँ जो मेरा अपडेटेड है। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हेजोक 2023.11 पैच, जो अभी पैच 2 अभी लेटेस्ट जो चल रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो करंटली। दोस्तों इसको मैं अपडेट होने के बाद क्या हुआ ना, मेरा आइकन मुझे दिख ही नहीं रहे। तो दोस्तों अभी इसको फिक्स कैसे करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे मैं सेटिंग में डायरेक्टली मैं ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे SDK मैनेजर में जाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपका जो SDK का जो पाथ है उसको आप कॉपी कर लो। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से भी जा सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्टली आप सेटिंग से जाना, यहाँ पे फाइल में जाओगे, फाइल के बाद सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे SDK मैनेजर आपको दिख जाएगा लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क में। और दोस्तों एक और बात, जो अभी मैं एंड्रॉइड स्टूडियो का जो अभी जो न्यू UI जो चल रहा है उसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको पुराना UI चाहिए तो दोस्तों सिंपल आप अपडेट्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे जो न्यू UI है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, अभी इसको यहाँ पे इसको डिसेबल आप कर सकते हो। अभी फिलहाल इनेबल है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इसको चाहोगे तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो, आपका पुराना UI जो है आपका वो जो आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क में जाके एंड्रॉइड SDK अभी SDK का जो यहाँ से आप पाथ आप उठा सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आप सेटिंग से भी जाके SDK मैनेजर में यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो पाथ है SDK का वो मिल जाएगा। तो पाथ बेसिकली हमको लेना है, पाथ लेने के बाद उस पाथ पर हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ पर पाथ को हम लोग पेस्ट करते हैं, ओके ओपन करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे आइकन्स में, यहाँ पे दोस्तों मटेरियल्स। अभी इसके अंदर देखो दोस्तों, आप फोल्डर में देखोगे यहाँ पे लॉट ऑफ आइकन आपको दिखेंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखो तो बहुत सारे आइकन आपको विजिबल होंगे जो हमको अभी दिख नहीं रहे हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपका जो लॉट ऑफ आइकन जो है आपको यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमको जो आइकन है वो दिख ही नहीं रहे। तो सिंपल उसको फिक्स करने के लिए इसको जो आइकन्स में डाल, इसको आप डिलीट कर दोगे टेक्स्ट फाइल को। डिलीट होने के बाद दोस्तों क्या होएगा, जो हमारा जो आइकन्स है, अभी मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जो नहीं दिख रहे थे वो हमको दिखने चालू हो जाएंगे इसके अंदर। अभी मैं ड्रॉएबल के अंदर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उसके बाद न्यू, उसके बाद वेक्टर एसेट्स। अब इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे जो मेरा आइकन जो अभी लोड हो रहा है, दोस्तों जो आइकन जो मिसिंग है यहाँ पे दोस्तों, मुझे आइकन सारे आइकन मुझे विजिबल हो गए इसके अंदर। अगर यहाँ से मैं आइकन में सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी यहाँ पे मैं पर्सन सेलेक्ट सर्च करता हूँ, जो पहले जो नहीं आ रहा था, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ ऑप्शन मुझे मिल गए पर्सन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के। यहाँ पे मैं कोई भी आइकन में ले लेता हूँ मैं, ओके फिनिश। दोस्तों अभी मैं आइकन यहाँ पे मेनू के आइटम्स में सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, ओके पर्सन। दोस्तों एक क्या इशू जो है ना, अगर आपको ये दोबारा आ जाए, दोबारा आने के बाद सिंपल दोस्तों आप SDK के पाथ में जाके उसके बाद आइकन का मटेरियल्स, उसके बाद जो मेटा डाटा का जो फाइल बना है टेक्स्ट का, उसको आप डिलीट कर दो। जैसे मैं दोबारा जाता हूँ मैं, अभी यहाँ पे देखोगे कभी कभी देखो यहाँ पे फिर दोबारा मुझे इशू आ गया है यहाँ पे। दोस्तों ये जो इशू है वो कभी भी आ सकता है, एक दो बार आप डिलीट कर दोगे ना उसके बाद दोबारा आएगा ही नहीं मेरे साथ। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा मैं जैसे यहाँ पे देखो जो इशू है दोबारा मुझे यहाँ पे फेस होने लगा, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सेम दोबारा मैं काम करूँगा। यहाँ पे फिर जाता हूँ मैं SDK के अंदर, भी फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं जो SDK का पाथ है उसको मैं पेस्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे फिर जाता हूँ मैं आइकन्स के अंदर 20 के बाद मेटा, उसके बाद में जो मेटा डाटा का जो फाइल टेक्स्ट फाइल है उसको आप डिलीट कर दो। यहाँ पे मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ मैं, ओके ठीक है। तो दोस्तों डिलीट होने के बाद फिर जो इशू आपको जो आ रहा था वो दोबारा आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ मैं, ओके आइकन्स में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आइकन्स है मुझे दोबारा विजिबल हो गए इसके अंदर। दोस्तों जो इशू है कभी कभी आ सकता है,
दोबारा दोबारा फिर आ जाए, तो आप सिंपल अब क्या करोगे, एसडीके का जब पाथ लोगे, पाथ लेने के बाद वहाँ पे सर्च मारोगे, उस पाथ के ऊपर जाओगे, उसके बाद आइकन्स के अंदर, उसके बाद मटेरियल्स, उसके बाद जो मेटा डाटा का जो फोल्डर हमने अभी डिलीट किया है उसको आप दोबारा डिलीट कर दोगे, उसके बाद जो आपका जो इशू है जो चल रहा है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।